डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन को प्रेस करके ब्लैक कर दें और साथ ही लगे बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए। यहां से दबाकर वीडियो को लाइक और यहां से दबाकर वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब अहमद, आप देख रहे हैं ऑल टिप्स वीडियो यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में वीडियो के साथ हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं आप सब फ्रेंड्स खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने सैमसंग J4 का गूगल अकाउंट कैसे बाईपास कर सकते हैं या FRP लॉक अगर लगा हुआ तो उसको कैसे अनलॉक कर सकते हैं। तो चलें आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे शॉर्ट सी रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर वीडियो मल्टीपल आए हैं, नए मेहमान हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाजमी लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो आपको पता है मैं अपने चैनल पर डेली न्यू वीडियो अपलोड करता रहता हूँ जो कि कंप्यूटर, मोबाइल और प्रिंटर से रिलेटेड वीडियो होती हैं जिनसे आपको उसके बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो चलें वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा क्योंकि आपको पता है बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाई है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं ये मोबाइल सैमसंग गैलेक्सी J4 है। फ्रेंड्स, ये 8 वर्जन है तो इसका अकाउंट जो है वो बाईपास करना है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं अपना जो वाईफाई है उसको भी ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे इसके टर्म्स एंड कंडीशन है उसको भी अलाउ कर लेते हैं। यहाँ बॉक्स में टिक लगाने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इसको अलाउ करके नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड्स ये थोड़ी देर चेकिंग करेगा। चेकिंग करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। हमारे सामने आ गए ये गूगल अकाउंट का जो ऑप्शन यहाँ पे खुलेगा। तो यहाँ पे अगर आप अपना जीमेल अकाउंट लगाएंगे कोई भी तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपके पास उसका पासवर्ड मौजूद है तो आप लगा सकते हैं। अगर पासवर्ड भूले हुए हैं फिर आपको ये बाईपास करना पड़ेगा। तो इसलिए हम वापस बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पे स्टार्ट पर लिखा हुआ वहाँ पर आपने तकरीबन अपनी दोनों उंगलियों को प्रेस करके रखना है तकरीबन 7-8 सेकेंड तक। ये देख सकते हैं ऐसे दोनों उंगलियों को आपने प्रेस करके रखना है तकरीबन 7-8 सेकंड आप ऐसे दबा के रखने हैं स्क्रीन के ऊपर तो आपके सामने एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। 7-8 सेकंड उंगली रखने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पे टॉक बैक जो एक सेटिंग ओपन हो जाएगी। तो वहाँ पे आपने उंगली के इशारे से अपने स्क्रीन के ऊपर एल का निशान बनाना है। जैसे आप एल का निशान बनाएंगे तो आपके सामने टॉक बैक की सेटिंग ओपन हो जाएगी। उस टॉक बैक पर आप क्लिक करके आगे आपके सामने एक ऑप्शन शो हो जाएगा जो टॉक बैक की सेटिंग का है। तो वहाँ पे आप नीचे की तरफ एंड पे आपको हेल्प एंड फीडबैक ऑप्शन शो होगा। तो यहाँ पे नीचे करते हैं, यहाँ पे एंड पे आपको ये देख सकते हैं हेल्प एंड फीडबैक का ऑप्शन शो हो रहा है। हेल्प एंड फीडबैक पे ऑप्शन को क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने एक न्यू विंडो शो होगी। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने पहले वाला जो ऑप्शन है अबाउट एंड राइट फॉर एंड्रॉइड आपने इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने इस तरह का यूट्यूब का ऑप्शन शो हो जाएगा। वहाँ पे आपने यूट्यूब पे क्लिक करना है तो गूगल पे क्लिक करके फ्रेंड्स यहाँ आपके सामने इस तरह गूगल ओपन हो जाएगी। गूगल पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने इस तरह का फेस शो होगा। आप यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन आ यहाँ पे आपने टर्म एंड ये पॉलिसी जो है इस पर क्लिक करना है और उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने गूगल क्रोम का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे गूगल ब्राउज़र जो है ना आपके सामने खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपने साइन इन गूगल ब्राउज़र पे क्लिक करना है तो आपके सामने जो आपको ब्राउज़र ओपन हो जाएगा वहाँ पे आपने टाइप करना है एक लॉन्चर का नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपने APEX लॉन्चर आपने यहाँ पर टाइप करना है। उसका लिंक भी मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जो लॉन्चर आप यहाँ पे डाउनलोड करते हैं। तो वो लॉन्चर आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा अपने इस वेब गूगल क्रोम ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं वर्जन भी आप देख लें इस वर्जन को आपने यहाँ पे डाउनलोड करना है APEX लॉन्चर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएँ इस वेबसाइट में आपको ये अप डाउन वाली वेबसाइट में ये आपको लॉन्चर मिलेगा। तो थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ डाउनलोड करने का तरीका। यहाँ पे आप क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पे ये डाउनलोड का बटन आपके सामने शो होगा। तो डाउनलोड के बटन पे आप मार के इसको जो है ओके करें। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ इसके जो अगर परमिशन आपसे मांगते हैं तो उसको परमिशन वगैरह दे दें और उसके बाद इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। जैसे ये डाउनलोड हो जाए तो अभी हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप डाउनलोड मेन्यू में चले जाएं। यहाँ पे चेक कर लें आपका लॉन्चर डाउनलोड हो गया। उसके बाद उसको अलाउ कर दें, उसकी जितनी भी अपनी परमिशन है परमिशन को अलाउ करने के बाद फ्रेंड्स आप इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। जैसे ही हमारा ये लॉन्चर इंस्टॉल होता है तो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ कि आगे हमें क्या करना है। तो यहाँ पर आप फ्रेंड्स ओपन पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमारा जो लॉन्चर इसमें इंस्टॉल हो गया। तभी यहाँ पे हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स थोड़ा सा और वेट कर लें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने हमारा जो मोबाइल है वो यहाँ पे ऑन हो गया है। तो अभी यहाँ पे हम सेटिंग में जाके अपनी जो एप्लीकेशन है अपनी ऐप्स को ओपन करने ऐप्स को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ शो सिस्टम ऐप पे क्लिक कर देना है और उसके बाद फ्रेंड्स हमारे सामने सिस्टम की जितनी भी ऐप हैं वो सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने कर लेना है जो एप्लीकेशन है गूगल प्ले सर्विस की, उसको यहाँ पे हमने देख लेना है। गूगल प्ले सर्विस की ये एप्लीकेशन है, इसको इनेबल कर लेना है। जैसे आप इनेबल करेंगे तो आपके सामने अगर कोई परमिशन वगैरह मांगे तो वो आपने अलाउ कर देना है और उसके बाद बैक आ जाना है। जैसे ही आप बैक आएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी हम गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं। गूगल क्रोम में जो आपने एपेक्स लॉन्चर जो हमने डाउनलोड किया हुआ था, तो फ्रेंड्स अभी फिर से हम दोबारा गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद जहाँ से हमने पहले एपेक्स लॉन्चर डाउनलोड किया था ऐसे ही हम अभी दोबारा से यहाँ पे हमें एक और फाइल जो है डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम है पंगो एफ आर पी अनलॉकर। फ्रेंड्स इस फाइल को भी हमने यहाँ से डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे अभी हम सर्च कर लेते हैं तो ये देख सकते हैं पहले वाली जो वेबसाइट है यहाँ से हम इसको क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स थोड़ी देर में आपके सामने वो डाउनलोड वाला ऑप्शन यहाँ पे हमें शो हो जाएगा जहाँ से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये यहाँ पे हमें ये डाउनलोड का बटन शो हो गया है। तो अभी डाउनलोड पे हम क्लिक करते हैं, थोड़ा सा वेट कर लें, नेट थोड़ा सा स्लो है। तो अभी आप देख सकते हैं ये एक बार फिर हमें एक नई विंडो में ले आया है। तो यहाँ पे फिर दोबारा हमारे सामने ये बटन डाउनलोड का यहाँ पे शो हो रहा है। तो अभी यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं और इसके बाद ये नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है। तो डाउनलोड पे क्लिक कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये डाउनलोड होता है, तो आगे फिर मैं आपको बताता हूँ। तो उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ऊपर हम ये थ्री डॉट जो हमें शो हो रहे हैं उन पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स जो डाउनलोड हुआ वो होगा, जो हमारा लॉन्चर वो हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों लॉन्चर हमें शो हो रहे हैं, जो पहले हमने लॉन्च अभी इसको भी हम यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद फ्रेंड्स थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, इंस्टॉल जब तक हो जाता है तब तक हम वेट करते हैं और इसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि हम आगे क्या कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद फ्रेंड्स अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे फिर सेटिंग में जाना है। आपने सेटिंग में जाने के बाद एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे पहले की तरह ऐप्स परमिशन में जाना है और ऐप्स परमिशन से अपने जो गूगल प्ले वाली जो सर्विस है उसको आपने इनेबल कर लेना है। करने के बाद फ्रेंड्स ये ऑप्शन शो होगा कोड नॉट अकाउंट्स, यहाँ पे आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ऐड अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो ऐड अकाउंट पे क्लिक करने के बाद गूगल का यहाँ पे आपको ऑप्शन शो होगा उस पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आगे आपने वेरीफाई जीमेल अकाउंट कर लेना है। जो आप न्यू अकाउंट लगाएंगे वो यहाँ पे आपने लगा देना है। तो मैंने जल्दी से अपना अकाउंट लगा लिया और उसके बाद मैं डन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं डन पे क्लिक करूँगा तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो हमारा पहले वाला अकाउंट था वो रिमूव हो गया है। अभी जो हमने न्यू जीमेल अकाउंट लगाया है वो यहाँ पे वेरीफाई हो गया है। अगर आप अपने न्यू जीमेल आईडी बनाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन अभी आपको यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो जैसे ही हमने देखा पासवर्ड लगाया तो उसके बाद हमसे ये यहाँ पे रिस्टार्ट का ऑप्शन मांग रहे हैं कि मोबाइल को रिस्टार्ट करो। तो अभी हम इसको रिस्टार्ट कर देते हैं। रिस्टार्ट करने के बाद फ्रेंड्स कुछ टाइम ये लगेगा, आपका मोबाइल जो है दोबारा से फॉर्मेट होगा। फॉर्मेट होने के बाद फ्रेंड्स जो आप इसकी पुरानी हालत है जेन्युइन हालत है उसमें ऑन हो जाएगा। तो जैसे ही ऑन हो आपने इसकी जो बेसिक सेटिंग है वो आपने कर लेनी है, जैसे वाईफाई का, इसके बाद नेटवर्क की, वो ऐसी सेटिंग पूछते रहते हैं। तो उसके बाद ये आपके सामने ऑन हो जाएगा। तो उसके जितने भी फंक्शन है फोल्डर हैं वो आपके सामने ऑन हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये कम से कम 10 मिनट लगा देगा दोबारा से जो है अपने ऑन होने में, क्योंकि ये पूरा मोबाइल एक दफ़ा फॉर्मेट होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फॉर्मेट हो के बाद ऑन हो गए और यहाँ से हमसे ये पासवर्ड दोबारा मांग रहा है वाईफाई का। तो यहाँ पे हमने अपने वाईफाई का पासवर्ड यहाँ पे लगा देते हैं। जैसे ही वाईफाई का पासवर्ड वगैरह लगाएंगे तो यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। पासवर्ड लगाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे फिर आई हैव रीड टर्म एंड कंडीशन को एग्री कर लेते हैं। एग्री करने के बाद फ्रेंड्स मैं आपको आगे दिखाता हूँ। एग्री पे क्लिक करते हैं और इसके बाद चेकिंग फॉर अपडेट, ये भी चेकिंग कर रहे हैं। तो इसके आगे जो ऑप्शन है वो भी ओपन होते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आप देख सकते हैं जस्ट ए सेकंड। तो यहाँ पे भी नाम वगैरह को जो आप रखना चाहते हैं अपने मोबाइल का नाम वगैरह देना चाहते हैं दे लें। उसके बाद अगर पैटर्न लॉक लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं।
तो फ्रेंड्स मैं इनको स्किप कर देता हूँ, मुझे लॉक नहीं लगाना, तो अभी मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट जैसे करेंगे तो आपके सामने आपकी जितनी भी एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपने ओके कर देना। ओके करने के बाद तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप इसकी बेसिक सेटिंग जितनी भी हैं वो आप कर लें। जैसे ये साइन इन योर सैमसंग अकाउंट अगर लगाना चाहते हैं तो लगा लेने, तो आप इसको भी स्किप कर दें और अपना जो जीमेल अकाउंट है उसको आप लगा के अपने मोबाइल को आप ऑन कर सकते हैं। जैसे आप अपना मोबाइल ऑन करें तो फ्रेंड्स सबसे पहले अपना जो आपने लॉन्चर वगैरह इंस्टॉल किए होंगे आप उनको अनइंस्टॉल कर लीजिए और फ्रेंड्स आपका मोबाइल जो आपकी अपनी जेन्युइन हालत में ऑन हो जाएगा। तो फिर आप इसको अपना जीमेल अकाउंट अगर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो ये तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाजमी लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।